क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जी, मदरसे के बाद अब बोर्ड के जांच की बात कही जा रही है, क्या राय है इसका? अभी तो मदरसों की जांच के लिए जो सरकार ने आदेश दिया था, मदरसों की जांच हो रही है और इसमें अल्पसंख्यक वर्ग इसका सहयोग भी कर रहा है, लेकिन 33 साल पुराना एक आदेश था, उस आदेश को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार ने आज जो आदेश दिया है वह कुछ हद तक तो ठीक है। वक्फ बोर्ड की कई ऐसी ज़मीनें हैं जिसपे कई मठाधीशों ने कब्जा करके लिया है, उस पर अपनी निजी संपत्ति तैयार कर ली है, तो ऐसे चीज़ों की तो जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जेन्युइन है, जैसे ईदगाह की ज़मीन है और मदरसे की ज़मीन है, चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन है, कई कई जगहों पे वो पुरखे पुरोनियों ने, जो पुराने लोग थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दान कर दी थी और वह हो सकता है कि आज के समय में सरकारी अभिलेख में कब्रिस्तान या उसके नाम से दर्ज ना हो, लेकिन वह एक तरीके से पुरखों के द्वारा दी गई ज़मीनें हैं और लोग उसे अभी तक उसी पे अपना कब्रिस्तान हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे ईदगाह हो, जो भी ज़रूरतें होती है उससे पूरा करते रहते हैं। लेकिन अगर वह दर्ज नहीं है और सरकार अब उसको कब्जे में ले लेगी तो यह भी गलत है। अभी मदरसों के सर्वे के बाद अब जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं उनकी संपत्तियों की भी जांच की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको इस सर्वे को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक वक्फ की बात है और मदरसों की, पहले इसके पहले जांच हो चुकी है और वक्फ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं इसके पीछे, इसके आड़ में। अगर आप सही हैं तो इसको जांच में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यही कहूँगा कि मदरसे के जितने भी लोग हैं उनको सहयोग करना चाहिए, सरकार के सहयोग करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी मानसिकता चल रही है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।